हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है शाम को इवनिंग का टाइम, यानी कि बजने वाले हैं 6:30, और मैं परी दीपू मेरे बाल कैसे लग जा रहे हैं पार्क। और परी ने देखो हेयरबैंड लगा लिया पीछे की तरफ, तो परी पूछिए कि उसके बाल कैसे लग रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दक्षु भी तैयार हो गया है पार्क जाने के लिए। दक्षु, पानी की बोतल ले ली? मैं नहीं लेता कभी पानी। पानी की बोतल लॉक लगाओ, चलो लॉक लगाओ, लॉक लगाओ। यहाँ पे दक्षिण लगाएगा लॉक रसोई के और कमरे के, और मैं ब्लॉक लगा रही हूँ। चलेगा दक्षिण में, रसोई के गेट नहीं लगेगा। देखिए दक्षिण में रसोई का, रसोई का ताला लग गया। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ दक्षु ने ताले वगैरह लगा दिए, रसोई वगैरह का लगा दिया, और दूसरे कमरे का भी लगा देगा। ये देखिए, ये लगा दूसरे कमरे का भी लगा देगा ताला। और अब हम जाएंगे बाहर पार्क, और पार्क परी बंद हो गई, उसने परी को बंद कर दिया अंदर। निकल के आ, मैं कितना साउथ इंडियन लग रहा हूँ। तो यहाँ परी ले रही है फ्रिजनर से बोतल पार्क जाने के लिए। नहीं, ये वाली, ये वाली कार्ड लेके आई है। चल ये वाली मत लेके, छोटी ले ले, ये ला एक प्लेट। ये नहीं, ये वाली एक प्लेट वाली, ठीक है। और ये वाली बोतल हमने एक प्लेट भी निकाल ली है। ये देखिए गाइस, खुला ये वाली बोतल हम लेके जा रहे हैं पार्क। तो चल लक्षित आने लगा, मैं वो तुमको बंद करना है ना। चल ना, मैं वो तुमको बंद करना। चल रही है, चल चल लगा। हेलो भाई ने निकाल दो, दिया ये आपका है, ये रखा। अरे भाई बोल तो ले ले, बोल ले। तो दक्षित लॉक लगा के आ रहा है, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। थोड़े से अपने बाल हैं, थोड़े से बांध देती हूँ, खुले अच्छे नहीं लगते पार्क में जाते हुए, जैसे थोड़े से बांध देती हूँ इन बालों को। और अब मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलिए पार्क चलते हैं। पार्क का व्यू दिखाऊंगी, अगर वहाँ की क्लिप बनाई थोड़ी सी तो वहाँ का व्यू दिखाऊंगी आपको, थोड़ा सा जल्दी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। देखो पकड़िए, देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया थोड़ा सा क्लेचर अपने बालों में, क्योंकि बाल खुले मुझे अच्छे नहीं लगते। तो चलिए पार्क चलते हैं। मैं आउट वाला खेलूंगा, खेलना नहीं। तो परी और दीपू पार्क आ चुके हैं, और 6-6 बॉल का बैट बॉल खेलनी है। चल तो परी और दीपू यहाँ खेल रहे हैं बैट बॉल, और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे पार्क में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा थोड़ी सी क्लिप देखने के बाद कि हम लोग पार्क आ गए थे। शाम का टाइम था, तो बच्चे शाम के टाइम पार्क में खेलने के लिए आ जाते हैं। मैं रोज रोज लेकर आ जाती हूँ, और कभी कभी क्लिप शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे लटक रहे थे, बैट बॉल खेल चुके थे, और इसके बाद हम जाएंगे घर पे। तो मिलती हूँ मैं आपसे घर पे। तो फ्रेंड्स, हम पार्क से आ गए हैं, और ये देखो बोल दिया अपना। तो पार्क से आने के बाद फ्रेंड्स, लगी है बहुत तेज प्यास, और ठंडा पानी पियेंगे एकदम से। बहुत प्यास लगी एकदम से पार्क से आने के बाद। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और ये बैट में आया, नई रबर डलवा के लेके आया, ये देखिए रबर डलवा के लेके आया अपने बैट बैट में। बॉल भी लाया, और एक बॉल भी लाया। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मेरे ब्लॉग को। और अभी मैं कंटिन्यू, ये देखिए एक बॉल भी लेके आया। तो आई मैं कंटिन्यू अपनी ब्लॉग को करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए थे रसोई में, यहाँ पे मैं, दक्ष और परी, क्योंकि हमें बनानी थी अंडे की भुर्जी। शाम के टाइम दो अंडे की भुर्जी बनानी थी, और दो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे परी के लिए, क्योंकि वो बॉईल करे हुए खाएगी। तो यहाँ ऑयल गर्म हो चुका था, तो दक्ष ने यहाँ पे प्याज डाल दी, और प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी, तो उसके बाद मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे प्याज भून रही थी, दक्ष भून रहा था प्याज को, तब तक मैं मसाला रेडी करके रख देती हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, मतलब मैंने पीस लिया, थोड़ा सा कूट लिया। इसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। तो मसाला मैं रेडी करके रख दूँगी, जब प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा उसके अंदर ये डाल देंगे, और देन उसके बाद दो एग डाल देंगे, और उसको जब तक चलाएंगे जब तक भुर्जी ना बन जाए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये मसाला डाल दिया इसने दक्ष ने, और इसको चला लिया, बहुत सारा चलाया इसको, जब तक ये
तेल ना छोड़ दे तब तक चलाना इस मसाले को। मसाला चलाने के बाद इसमें 2 एग डाल दिए और एग डाल के भी चलाते रहना और 5 मिनट में भुर्जी बनके रेडी हो जाएगी। देखिए भुर्जी बनके रेडी हो चुकी है और काफ़ी टेस्टी बनती है, काफ़ी जल्दी बनती है। 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है ये, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। आप 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे ऐसी बनती है। तो यहाँ पे दक्ष अपनी रोटी की तैयारी कर रहा है, तो उसने 2 रोटी रख ली और अपनी भुर्जी रख ले रहा है और इसका डिनर रेडी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अंडे की भुजिया बन चुकी थी, अंडे की भुर्जी बन चुकी थी और परी को लेके आ गए। परी के बॉईल किया हुआ इन्होंने ले लिया, एग ले लिया, एक एक बॉईल करा हुआ। इसी ने बनाई है सारी, दक्षु ने बनाई है सारी की सारी, ये बैठा है इसी ने बनाई है और काफ़ी अच्छी बनी, काफ़ी टेस्टी बनी है। आ जाओ आप भी खा लो, काफ़ी अच्छी बनी है। देखिए खाना पीना हो चुका है हमारा, सबने खा लिया है, मैंने और दीपू ने खाना खा लिया है और परी अभी खाना खा रही है, वो पीछे बैठी बैठी खा रही है अभी खाना। तो मैं चलो बर्तन धो देती हूँ, लास्ट काम रह गया है शाम का, मतलब रात का लास्ट काम रह गया है तो बर्तन धो देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड रसोई में चलते हैं, बर्तन धोएंगे और क्या कहते हैं परी हो जाइए रोटी तो मैं लेके आती हूँ, चलो मेरे साथ। तो देखिए बर्तन बहुत सारे धोए हैं, अभी धोती हूँ मैं इनको, पहले परी को रोटी देके आती हूँ। देखिए दिल्ली का मौसम हो रहा है बहुत सुहाना, यानी कि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बाहर बिजली गड़क रही है बहुत तेज। अब रात का मौसम आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं तो काफी अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है काफी, हवा चल रही है काफी। देखिए अच्छा मौसम हो रहा है, ऊपर का देखो काफी अच्छा मौसम हो रहा है। तो ये फ्रेंड रात का सीन है, तो मतलब थोड़ा काला सा आ रहा है, मतलब काफी बिजली वगैरह कड़क रही है, आज बारिश आने की पूरी संभावना है दिल्ली में। और अगर दिल्ली में बारिश आती है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बाहर का मौसम भी दिखा दिया और यहाँ पे सबका खाना पीना भी हो चुका था और मौसम तो थोड़ा सही हो रहा था, जैसे बिजली वगैरह कड़क रही थी कि बारिश आएगी, पर इतनी बारिश आ नहीं रही थी जितना बादल कड़क रहा था। तो यहाँ पे मेरा हो रहा था थोड़ा सा काम, यहाँ पे बर्तन वगैरह रह गए थे सबके खाना खाने के बाद, और क्या कहते हैं वो अभी ड्यूटी से आए नहीं थे, वो अभी लेट आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ हम तीनों ने खाना खा लिया था और थोड़े से रह गए थे बर्तन, उन्हें मैं वॉश करके रख रही थी। यहाँ पे साबुन वगैरह सर्फ लग गया था मेरे बर्तनों पर और उसके बाद मैंने वॉश करके रख दिया जल्दी जल्दी। तो देखिए बर्तन सारे मेरे धुल चुके हैं और जब इनका पानी झड़ जाएगा मैं लगा दूँगी इन्हें रैक में, मतलब जहाँ भी बर्तन लगाए जाते हैं वहाँ रख दूँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने धो लिए और अब लगा देती हूँ सारे बर्तन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारा काम हो चुका था मेरा और मतलब बर्तन वगैरह मैंने धो दिए और वो अपनी जगह पे भी लगा दिए सारे बर्तन, और लास्ट का काम रह गया था मेरा स्लिप साफ़ करने का, स्लिप साफ़ करके कर्फर्स वगैरह साफ़ करके और मेरा स्विमिंग से निकल जाऊँगी, रात का काम फिनिश हो गया मेरा। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज का ब्लॉग कैसा था।